असल में कहानी शुरू हुई थी घर से। कल शाम तीन लड़के, मतलब हम आवारा तीन लड़के घूम रहे थे, फिर ख्याल आया कि हम बहुत दिन से घूमे नहीं हैं, कहीं पर गए नहीं हैं घूमने के लिए, बाइक राइड नहीं की है। तो बस उसी टाइम सोच लिया कि सुबह निकलते हैं, कहीं पास की लोकेशन पर जाते हैं जहाँ हम चिल कर सकते हैं। एंड बहुत टाइम हो गया था, तो ये जगह हमें याद आई उत्तराखंड में रामनगर। ये घर से निकलने के बाद हमारा पहला नाश्ता है रामपुर की हलीम बिरयानी। अक्सर घर से निकलने के बाद सफ़र पर जब निकलते हैं तो अच्छे और टेस्टी खाने की ख्वाहिशें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। रामपुर से हलीम बिरयानी खाने के बाद आगे रुके हैं हम चाय ब्रेक पर, और हम जा रहे हैं रामनगर। फिलहाल मज़ा ले रहे हैं हम चाय का। अभी हम जैसे तैसे रामनगर पहुंच चुके हैं, रामनगर के रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे और आगे जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना है वहाँ के लिए निकलेंगे अभी। और बहुत ही ख़तरनाक जिम कॉर्बेट यहाँ पे पार्क है, जहाँ पर अलग अलग ख़तरनाक जानवर मिलते हैं। और हमारे सामने एक जानवर आ चुका है, एक बहुत ही ख़तरनाक हमारे सामने एक जानवर है, जंगल में से आया है यहाँ से, और बहुत ही ख़तरनाक वाला जानवर है ये। पहले हम चाय वाय पियेंगे, फिर आगे जाएंगे एक बढ़िया डेस्टिनेशन पे। चाय भैया, चाय कर देना तीन। ब्रेक है एक हमारा, और यहाँ हमने अपना सामान रख दिया है। ये शॉप है, और ये जानवर हमें रास्ते में से मिला था। खतरनाक जंगल, बहुत ही खतरनाक जंगल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जूम कर मैं दिखाऊंगा, अगर ये जो जंगल है अंदर की तरफ, यहाँ से सफारी भी होती है, यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं। बहुत ही ख़तरनाक जंगल है। आगे हम एक डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। वन मस्का मैगी कुछ आ जाता क्या? देखिए सफारी की गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से, और जिम कॉर्बेट की सफारी करने, या बहुत टाइम लग जाएगा सफारी करने। हाँ, चाय नाश्ता करेंगे यहाँ से, और यहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद अपने जहाँ पुल जो ब्रिज देखा है हमने, उस पर चलेंगे सीधे। उससे फटाफट जल्दी फ्री हो गए और सीधे वहाँ पर थोड़े फोटो वोटोज क्लिक करेंगे, और वहाँ से काम ख़त्म। जब भी हम कहीं निकलते हैं तो छोटा रास्ता देख कर सोच के निकलते हैं छोटे रास्ते के लिए, लंबा रास्ता हमेशा चूज करते हैं रास्ते में, क्योंकि गूगल मैप भी हमें कभी कभी भटका देता है। यहाँ हो रहा है हिसाब किताब, कैलकुलेटर खुल गए किसके कितने पैसे खर्च हुए। बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, जो कि घर से पराठे ले, अबे ओ गंदा हो जाएगा ये, घर से लेकर आए थे पराठे और अंकल जी बना रहे हैं चाय। नाश्ता करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर, शायद वो खूबसूरत हो लेकिन हम पहले कभी नहीं गए, इंटरेस्टिंग होगा देखना। आ गई गर्मा गर्म चाय और पराठा ठंडा ठंडा, घर से लेकर आए थे ये पराठा, चाय पराठा चाय जानवर खाते भी दिखा, जानवर को मुंह भी खाते, जानवर ठंडा पराठा खाता हुआ। ठंडा मूली का पराठा और गर्म गर्म चाय, जानवर पाव मांग रहा है। आ गया तो लड़की चाय। ऑलराइट, तो चाय वाय हो गई है और हम निकलने वाले हैं अपनी बाइक से
ये है हमारी बाइक, एक बाइक ये है और एक बाइक ये है, क्रूज बाइक दिखा दे। एक ये क्रूज बाइक है हमारी और वो स्पोर्ट्स बाइक है। देखो ये हमारे पास ओवर सुअर वाला वाला सुअर है। सवारी भी है यहाँ पे, कहाँ से ले जाओगे बाइक? ले जाओ बाइक यार यहीं, अरे यहीं खड़ी कर। ना अबे है यार ये बहुत ही खतरनाक रास्तों से हमें जहाँ जाना था वहाँ की तरफ निकल रहा है। सामने शायद आपको दिख पा रहा होगा कितना अच्छा यार। ओके सो वी आर हियर, सो वी आर हेयर एंड जहाँ हमें आना था वो है ये ब्रिज। बहुत ही प्यारी जगह है वैसे देखने में, खतरनाक वाले जंगल टाइप का है। हेलमेट उतार देते हैं और नीचे, हाँ प्यारी सी जगह, नहर बहती हुई। हमारे साथ जो जानवर आया था वो अभी रह गया है बाइक से पीछे, जबकि उसकी स्पोर्ट्स बाइक है और हमारी बाइक आएगी ना, मेरी जानवर था स्पोर्ट्स बाइक पे, वो सबसे देर में पहुँचा। अरे भाई ऑफ रोड बाइक थोड़ी है मेरी, सोच रहे तो उतार दिया। क्या क्या फिर से कही? ऑफ रोड बाइक थोड़ी है मेरी, फिर से आगे आगे जो बोला इसके। एंड दिस इज द प्लेस वाह क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। इस नज़ारे के लिए हम आए 150 किलोमीटर दूर। दोनों साइड नहर बह रही, अभी ये जो पीछे की जगह है यहाँ से हमारा फोटो शूट हो चुका है। हाँ थोड़े बहुत फोटोज ले लिए इंस्टा पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ लोकेशन देख रहे हैं हम फोटो वोटो और खींचने की, पीछे की तरफ ये और मेरे पीछे शाहजहाँ बेगम की बता रहे हैं जी हमारे गाइड। ये गाइड साहब कह रहे हैं जी शाहजहाँ बेगम ने बनवाया है दोनों ने मिलके। और ये कह रहा है एक एक पत्थर भैया पूजा का लगा हुआ है इसमें, कि पूजा कौन है, पूजा कौन है, ये नाम भी लिख दिया है आप पूजा। यहाँ पे आप जहाँ भी किसी मॉन्यूमेंट पे जाएंगे जो पुरानी बनी हुई है बहुत पुरानी, वहाँ पर ऐसे नाम जरूर लिखे हुए होंगे आशिकों के या फिर माशूकों के। और यहाँ पे एक हमारे साथ हादसा हो गया है इसकी स्पोर्ट्स बाइक पे, वहाँ पे देखिए कोई और फोटो खिंचा रहा है, चीज़ और लिखी दिख गई है हमें। ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ जो जानवर है उसका नाम है जुनैद और वो जानवर ये है, ये अपने पिछले जन्म में शायद यहाँ पे आ चुका होगा। प्यारा बहुत ही खूबसूरत नजारा है, मारी मारी नीचे की तरफ कुछ मारी जानवर। मजा आ रहा है यहाँ पर, मजा आ रहा है नजारा। देखिए आप यहाँ से बहुत ही ऊंचाई पर खड़ा हुआ हूँ मैं और ये बहुत नीचा है, कैमरे में अभी दिखाई नहीं दे रहा है नीचे। ये पैसा वसूल ट्रिप, जिस चीज़ की तलाश में आए थे हम वो चीज़ हमें मिल गई है, शेर देखने आए थे। और जी देखिए यार भाग गया भाग गया। सुनसान रास्ते पे कुछ लोग जाते हुए और यहाँ इधर देखिए, इधर बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ से कुछ भी जानवर कुछ भी कभी भी आ सकता है, कोई सा भी जानवर आ सकता है। ये देखिए इनको मनोरंजन के लिए लाया गया था। नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता जाता है नीचे पत्थर और नहर के पास, देखते हैं जाकर क्या कुछ खास मिलता है हमें। यह है नज़ारा नीचे का, वाह पानी बहता हुआ खूबसूरत,
इस ब्रिज पे से हम यहाँ से आए थे और यहाँ से होते हुए इस रास्ते से इधर आए हैं। प्यारा नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। जिस चीज़ के लिए आए थे वो यही है, पानी 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 पानी। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, सुकून भरा पूरा ग्राउंड और यहाँ से नहर आती हुई। सारा फोटो शूट हो गया और लास्ट लोकेशन बची है ये, यहाँ से निपटा के चले जाएंगे। और कुछ लोग तो यहाँ से खो गए हैं, वहाँ पे चले गए हैं जंगल में, जानवरों ने ले गया, वापस ही नहीं आए लौट के, फोटो खींचने गए थे। ओ नज़ारे बड़े प्यारे हैं यार, सुकून मिल गया यार, नेचर में आके सुकून मिल गया। ये देखिए ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है यार। टॉम डिक एंड हैरी। और डिक ये है पीछे वाला डिक। ऑलराइट, तो लास्ट लोकेशन पे भी फोटो शूट डन एंड अब टाइम आ गया है इस जगह को अलविदा कहने का। लास्ट लोकेशन थी जहाँ पर हमने शूट किया यहाँ पर, एंड उसके फोटोज ले लिए हैं। लास्ट लोकेशन थी यहाँ पे, बहुत ही प्यारी जगह थी, खूबसूरत जगह थी, बहुत सुकून भरी जगह थी और यहाँ का फाइनली हमने मज़ा लिया। सो लास्ट टाइम ये ब्रिज जहाँ पर हम घूमने आए थे, चिल करने आए थे, बस ऐसे ही प्लान बन गया था। रात में काम हुए, सुबह तैयार और 8 बजे निकल गए थे घर से और यहाँ आते आते 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो फाइनली व्लॉग इसी के बारे में था कि बस ऐसे ही हवा में बातें करते करते हमारा प्लान बन गया और हम यहाँ तक पहुँच गए। तो फाइनली यहाँ पर हमने चिल किया, मज़े किए एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नेचर के पास आकर हमेशा से सुकून मिलता है। इस ब्लॉग में इतना ही था, ब्लॉग को एंड करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।